हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का जो अंतरा काव्य खंड का आपका पार्ट पांचवा है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका नाम है संध्या के बाद। कई बच्चे जानते होंगे कि संध्या का मतलब होता है शाम का टाइम, जो हमारा इवनिंग का टाइम होता है। तो इस पर्टिकुलर कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं कि संध्या के टाइम का उन्होंने वर्णन दिया है कि इवनिंग का टाइम कैसा होता है, किस तरीके से उन्होंने पक्षियों के माध्यम से हमारे संध्या के वातावरण को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है चैप्टर को लेकर, वो आपकी एकदम अच्छे से आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखा जाए सबसे पहले सुमित्रा नंदन जी के जीवन परिचय को, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप कवि का परिचय लिखिए। तो बताया जाता है कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो एक तरह के छायावादी काव्यधारा के मूर्धन्य कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो था, वो 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो थे, वो उत्तराखंड के बहुत ही अच्छे पहाड़ी इलाकों में अल्मोड़ा जिले के कौशानी गाँव में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई, लेकिन उन्होंने शिक्षा लेने के लिए वाराणसी में आए और वहाँ पर उन्होंने स्टडी की, तथा जो उनकी हाई डिग्री थी इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में हुई। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। पंत जी ने लोकयातन संस्था की स्थापना की है। ये लंबे समय तक आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। ये जो आकाशवाणी का चैनल आता है, नेशनल वाला चैनल, उसके कई बार परामर्शदाता रहे हैं ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि बताते रहते थे कि किस तरीके से इस चैनल को, मतलब क्या क्या चीज़ें इस चैनल में आनी चाहिए, इन सबको वो कॉपीराइट करते थे। 28 दिसंबर 1977 को जो था इनका डेथ हो गया। अगर बात करें इनकी रचनाओं व सम्मान को लेकर, तो वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, ग्रंथी, स्वर्ण किरण, गुंजन एवं उत्तरा, ये इनकी बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। इसमें से अगर आप युगवाणी वाला पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कभी खाली टाइम मिलता है तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ के देखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था वो 1960 कला व बूढ़ा चंद, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 चितंबरा पाने वाली हिंदी के प्रथम कवि हैं। मतलब हिंदी के ये ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्हें कि ये दोनों बहुत ही अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले। पद्म विभूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मतलब इन्हें बहुत सारे तरह के जो हैं मेडल और ये सारा कुछ ट्रॉफी वगैरह मिला हुआ है। तो काफ़ी अच्छे कवि हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी अच्छे अच्छे पद्म विभूषण तक मिला हुआ है, तो भैया ऑफकोर्स अच्छे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं एवं भाषा शैली को लेकर, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी हम किसी कवि की विशेषता को लिखते हैं तो उनकी तारीफों में चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्चुअली में उनकी कविता हमें कितनी ही खराब लगे। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम एवं रहस्यवाद झलकता है। स्टार्टिंग में जब वो कविताओं को लिखा करते थे तो वो प्रकृति को लेकर लिखा करते थे, प्रकृति के प्रेम को लेकर लिखा करते थे। इसके बाद के चरण की कविताएँ मार्क्स बगानी से प्रभावित हैं। अगले चरण की कविताओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव नज़र आता है। तो पहले तो उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखना शुरू किया, नेचुरल थिंग्स के बारे में, उसके बाद गांधीवादी चीज़ों को लिखा, उसके बाद उन्होंने अरविंद दर्शन को लेकर कई सारी अपनी कविताएँ लिखी। पंत जी प्रकृति के चित्रकार कवि हैं, मतलब वो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं। प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण एवं उसके पल पल परिवर्तनशील सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन इनकी विशेषता है। मानो ये जिन वर्ड्स में अपनी कविताओं को लिखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो एकदम चित्र के सामने, हमारे आँखों के सामने उभर कर आ रहा हो। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का ये प्रयोग करते हैं। मानवीकरण, विशेषण, विप्रय एवं धन्यवाद व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों के साथ उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा जैसे परंपरागत अलंकारों का ये प्रयोग करते हैं। अमूर्त के माध्यम से मूर्त का वर्णन, मतलब मतलब कि किसी ना मरी हुई चीज़ या कह सकते हैं कि जिसमें जीवन ना हो, उसके माध्यम से ये जीवित चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं, ये इनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी स्टार्ट होती है संध्या के बाद, उसके अगर मैं मूल भाव की बात करूँ तो प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रमुख आधार,
स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या में संकलित है। उन्होंने अपनी एक स्तंभ लिखी थी ग्राम्या, उसी में से इस पोएम को उठाया गया है। कविता में संध्या के समय होने वाली प्राकृतिक परिवर्तन, ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश दिया गया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के माध्यम से जो पंत जी हैं वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जब शाम का टाइम होता है तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लोगों के जीवन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लोग अपनी कौन कौन सी जो क्रियाकलाप हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, अपने वर्क को करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बताना चाहते हैं कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर वो उन्होंने बल दिया है कि हमारा जो है वो दैनिक क्रियाकलापों का भी वो वर्णन बहुत ही अच्छे से करते हैं जो शोषण मुक्त हों। वो कहते हैं कि हमारा ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर किसी का शोषण ना हो रहा हो, जिसमें दरिद्रता ना हो, कोई लालची ना हो, एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों व अर्थ की प्राप्ति हो। गाँव में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा व्याप्त है। वो बताते हैं कि गांव में ना ये जो उत्पीड़न है, दरिद्रता है और ये जो निराशा है वो एकदम व्याप्त तरीके से मौजूद है। व्यक्ति इनको प्रकट करने में असमर्थ है, लेकिन व्यक्ति इसको प्रकट कर ही नहीं सकता भाई। कवि ने समस्त पापों का कारण दरिद्रता माना है। कवि बताते हैं कि भैया पापी कौन है, पापी कोई व्यक्ति कब बन जाता है, जब उसके अंदर अपना एक लालच जाग जाता है। दरिद्रता के लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। अगर कि कोई दरिद्रता है, किसी कोई लालची तरीके का है, तो उसकी खुद की कोई गलती नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था दोषी है। अब वो बेचारा क्या करे, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको लालच करना पड़ रहा है। गांव के बनिए के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी कथनी और करनी में समानता द्वारा सामाजिक व्यवस्था में तभी परिवर्तन ला सकता है जब व्यक्ति की सोच और आचरण समान हो। वो बताते हैं कि व्यक्ति कहता कुछ और है, करता कुछ और है, ये हमारा समाज बड़ा ही अजीब है। जब व्यक्ति जो चीज़ सोचेगा वैसा ही करेगा तो हमारे समाज में कोई गलत चीज़ नहीं ठहर पाएगी और हमारे समाज का विकास जो है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ काव्य सौंदर्य की, जो कि हमारा स्टार्ट होता है सिमटा पंख सांझ से और जिसका अंत होता है नीरझर पे, उसके संदर्भ की मैं अगर बात करूँ तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि सांझ की जाती हुई लाली के विविध प्रकृति चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पंक्तियों में संध्याकालीन सौंदर्य का चित्रित किया गया है। वो जो पर्टिकुलर कविता के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से शाम होते ही जो है सूर्य की किरणें ढलने लगती हैं और जो पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम बहुत ही सुंदर सा लगने लगता है। अगर यहाँ पर हम बात करें व्याख्या को लेकर, तो कवि संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए बताते हैं। कवि जो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे इवनिंग टाइम का, वो कर रहे हैं एक पक्षी को लेकर। वो बताते हैं कि संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर लाली के साथ पेड़ों की शाखाओं पर जा बैठता है। मतलब अब जो उसके पंख हैं, जो पक्षी के पंख हैं, वो उसने समेट लिए हैं और वो जाकर पेड़ पर चुपचाप बैठ गई है। वैसे ही सूर्य है, सूर्य ने अपनी जो लालिमा है, जो उसकी रोशनी है, उसको अपने अंदर लेकर चुपचाप से वो भी अलग को चली गई है। सांझ की लाली सिमटनी शुरू हो गई है। अब जो हमारी सांझ की जो लाली होती है ना, लालिमा, लाल लाल हमें दिखती ये किरणें, वो सब खत्म होता जा रहा है। अब ये लाली पेड़ की ऊपर की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है। अब हल्का हल्का बस पेड़ों में ही जो है हमें हल्का सा रोशनी टाइप का दिख रहा है, जिसके कारण पेड़ के पत्ते ताम्र रंग के दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण पेड़ के पत्ते एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा ब्राउनिश टाइप के दिख रहे हैं। तांबे के रंग के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। और जो तांबे के रंग के पत्ते हैं ना, एकदम वो एकदम ऐसा लगता है कि मानो धाराओं में बह रहे हैं, क्योंकि हवा चल रही है तेज तेज। झरनों के जल पर पीला प्रकाश होने के कारण वह भी ताम्र वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। सूरज छुपने का यह दृश्य पूरी तरह से मन को हरने वाला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चल रहा है उसको बस देखते रहें और देखते ही रहें। जो यहाँ पर विशेष कला पक्ष की बात की गई है, संध्याकालीन प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है। बहुत ही अच्छा सा, अच्छे से ढंग से जो है कवि ने बहुत ही अच्छे से ढंग से ये जो हमारा इवनिंग टाइम है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। संध्या का पक्षी रूप में चित्रण होने के कारण यहाँ पे मानवीकरण अलंकार दिख रहा है। बताओ इवनिंग टाइम क्या कोई जीवित चीज है, लेकिन नहीं, फिर भी उसको पक्षी से कंपैरिजन किया जा रहा है, चिड़ियाओं से कंपैरिजन किया जा रहा है। संस्कृत निष्ठ तत्स
असम प्रधान खड़ी बोली का यहाँ पे यूज किया गया है। वृक्ष के पत्तों का लालिमा से ताम्र वर्ण का होना और झरनों की स्वर्णिम आभा का भावपूर्ण वर्णन, एकदम लगता है कि हाँ एक भावपूर्ण तरीके से, भावशील तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से कोशिश की गई है कवि के द्वारा। मुक्त छंद की कविता है, चित्रात्मकता एवं सुंदर बिंब विधान है, बहुत ही अच्छे ढंग से मानो सब कुछ चित्र की भांति हमें स्पष्ट होता है कि किस तरीके से जो हमारा सूरज है वो ढल रहा है, उसकी जो लालिमा है कम हो रही है, अब वो हल्के हल्के बस पेड़ों और समुद्र में दिख रही है जो कि तांबे प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो यही थी फ्रेंड हमारी आज की कविता, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा इस, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी दबा दें और उसमें आपको करना है ऑल सेलेक्ट, सो दैट कि मतलब उसके बाद जो है अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।